आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आपके ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हैं? श्रीमद् भागवत कथा उन्हीं ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का दर्शन है। भक्ति तो है, भक्ति नहीं होती तो हम यहां पर नहीं होते, बट दिस इज नॉट कंफर्म कि ज्ञान और वैराग्य भी हो। वैराग्य, अगर मैं आपसे पूछूं आप में वैराग्य है, तो आप कहोगे महाराज जी ठीक ठाक चल रहा है, कहां भेजने की तैयारी में हूं। नहीं नहीं, कहीं नहीं भेजूंगा मैं आपको। वैराग्य का मतलब भाग जाना नहीं है, वैराग्य का मतलब चले जाना नहीं है, वैराग्य का मतलब छोड़ देना नहीं है, वैराग्य का मतलब है राग से मुक्ति, रागों से मुक्ति, बैराग, बिना राग का हो जाना। ये आप अपने घर में रहते हुए भी हो सकते हो, और जो घर में रहते हुए हो सकता है वही असली और सच्चा वैरागी है। आप पूजा में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप तीर्थों में हैं, आप कथा में हैं, आप सब में हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो समझ लेना वैराग्य अभी अस्वस्थ है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति सहायता करने की भावना नहीं है तो समझ लेना वैराग्य अस्वस्थ है, ज्ञान अस्वस्थ है। ये लक्षण है छोटे छोटे। आप सिर्फ इस बात पर पूरे घर में आतंक मचाए हुए हो कि आज सब्जी में नमक कम था, और भले पूजा 4 घंटे करते हो तो ध्यान करना आपका ज्ञान और वैराग्य भयंकर अस्वस्थ है। आप बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं रोज रामायण खोल के बैठ रहे हैं, रोज भागवत गीता खोल के बैठ रहे हैं, लेकिन आपके वजह से पूरे घर में परेशानी मचा रखी है, तो किस मतलब का ये नाटक नौटंकी है? ये प्रश्न है। आप सही भक्त, आप सही वैराग और ज्ञान से परिपूर्ण तब हो पाएंगे जब आप पर स्वाद का भी असर ना हो, आप स्वाद विहीन हो जाएं। और जिस दिन आप स्वाद विहीन हो जाएंगे उस दिन आप गोविंद के बहुत करीब चले जाएंगे। स्वाद मतलब कोई भी स्वाद, जीवा का स्वाद और शरीर से स्पर्श होने वाला स्वाद, दोनों स्वाद की चर्चा कर रहा हूं मैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो और भी ठीक है। मीठा है तो अच्छी बात है, फीका है तो और भी अच्छी बात है। यह है वैराग। अब प्रश्न यह है कि कितने लोग वैराग को समझते हैं, जानते हैं, कितने लोग? धर्म की बात करने वाले, भगवान की चर्चा करने वाले, भजन और भजन को गुनगुनाने वाले, अनेकों भजनों का दर्शन एक दूसरे को देने वाले, ऐसे कई लोगों को मैंने लड़ते देखा है, ऐसे कई लोगों को अपने प्रभाव से लोगों को दबाते देखा है। मोटा सा माथे पर चंदन लगाने वाले भी, ये चिन्ह है। इससे सिद्ध नहीं होता कि आपको गोविंद मिलेंगे, असली चिन्ह है कि आपके अंदर प्रेम है, आपका गोविंद के प्रति विश्वास है, आपके मन में सबके प्रति अच्छा भाव है, आपके अंदर सहायता की कामना है, आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, आप सच्चे इंसान हैं और आपको गोविंद जरूर मिलेंगे, आपको गोविंद जरूर मिलेंगे। जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे पूजा करते हैं कि 4 मिनट पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि कोई कहे आपसे क्या 10 मिनट आपके पास बैठ जाऊं, आपके पास बैठना मुझे पसंद है, समझ लेना तुमने जीत लिया, यही पूजा है। ठीक है, आप खूब घंटी बजाओ, खूब भगवान को भोग लगाओ, खूब आरती गाओ, मैं इसके लिए मना नहीं करता, करना है, प्रैक्टिस है ये, लेकिन इस प्रैक्टिस का परिणाम भी तो जीवन में दिखना चाहिए। अगर परिणाम नहीं दिख रहा तो फिर तुमने क्या किया? मनोरंजन, आत्मरंजन नहीं किया, आत्मरंजन नहीं किया। एज चली जा रही है, हम बिल्कुल, हमें मालूम है कि कब एंड हो जाए,
कई लोग कहते हैं बूढ़े होने के बाद मरना है, जबकि आज की तारीख में क्या डिसाइड है कब मरना है। लेकिन चलो उस अवस्था में भी पहुंचने के बाद व्यक्ति आपाधापी में लगा हुआ है, भजन का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। यही इस कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी चर्चा श्री नारद जी से भक्ति कर रही है। भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य अगर नहीं है, अर्थात इस दुनिया से के राग से आप छूटे नहीं हैं अभी तक, तो गड़बड़ है, तो महागड़बड़ है। बड़ी भारी पूजा करके माता जी उठी, दो घंटा ढाई घंटा, और उसके बाद बेटी बहू ने चाय ला के दी, लो माता जी, क्योंकि माता जी पूजा करके ही पीती है, बिना पूजा के तो पानी तक नहीं पीती, और भूल से उसमें ऊपर नीचे चाय पत्ती और शक्कर हो जाए, उसके बाद तो सीधे हिमालय पर्वत वो उठा लेती है। मुझे समझ में नहीं आया ढाई घंटे पूजा कौन सी करी। अगर तुम्हें उस जरासी से मीठे स्वाद ने हिला दिया तो तुम क्या गोविंद को खाक पाओगे, क्या ईश्वर को खाक पाओगे? कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपसे, वैसे मैं कड़वा ही कड़वा बोलता हूं, मीठा मुझे बोलना आता नहीं। सच बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? इतनी सी चीज के प्रति किसी को कोई दुख दे दे, क्या उसको ईश्वर मिलेगा? यही श्रीमद् भागवत का दर्शन है। पहले हम एक नेक इंसान बने, नेक इंसान, उस नेक इंसान को वो परमात्मा मिलेगा। हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है वो, पहली कक्षा ही नेक बनना है, और जब तक हमने नेक इंसान बनने की प्रक्रिया में अपने आप को नहीं डाला तो क्या पाने आए हैं हम, क्या पालेंगे हम? अगर हम इन चीजों को न, हाँ क्रोध कीजिए, अच्छे कार्य के लिए कीजिए अपने आप से, मैंने अच्छा कर्म नहीं किया, मैंने सत्कर्म नहीं किया, मैंने किसी की मदद नहीं की, क्रोध कीजिए अपने आप से, अच्छी बात है, ये क्रोध अच्छा है। दर्शन आता है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, मैं कहता हूं इससे नरक नहीं इससे स्वर्ग भी मिल सकता है। लोभ करो भगवान की कथा मिल जाए, लोभ अच्छा है। कामना हो गोविंद तेरा दर्शन होता रहे, कामना अच्छी है। आप कर क्या रहे हैं ये फर्क पड़ता है जीवन पर। ये कथा हम 7 दिन श्रवण करने वाले हैं, लेकिन इन 7 दिन में जीवन में बदलाव आना चाहिए, ये जिद करके बैठिएगा तब आनंद आएगा, तब आनंद आएगा। आज तो मैं आपसे जो भी चर्चा कर रहा हूं महात्मा की चर्चा है, और वैसे भी साहब तंदूर को गर्म होने में 3-4 घंटे तो लगते हैं। आज तो तंदूर गर्म होगा, कल से रोटी अपनी अपनी पाओ, थापो और पाओ, उस तैयारी में हूं मैं। एक ही प्रकल्प है, हम एक नेक इंसान बनें।